हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, कल है होली। आज इसे लोगों ने ऐसा मतलब कल शाम से ही इस तरीके की रंग होली, मतलब ऑफिस में तो कल शाम को ही बना देते हैं, आज जो लोग आएंगे वो लोग बनाएंगे, बाकी तो फिर नॉर्मल चलेगा नहीं। होली में ऐसी भाषा तूफानी होने वाली ना इस बार। हम भी जाएंगे, दिखा देंगे रूम पे, वहीं मनाएंगे, क्योंकि जीजा ने परसों बोला था कि यहाँ पे आना, यहाँ मनाएंगे हम सब होली, क्योंकि गांव से गौरी भुवन सारे लोग आए हुए हैं। इस साल तो बहुत धमाकेदार होली बनने वाली है हम सब की। तो गाइस, अभी पहुँच गया मैं ऑफिस, उसके बाद शाम को फिर घर निकलेंगे। आज शॉपिंग वॉपिंग भी करेंगे होली की, रंग भाभी लेके आएंगी, आज शाम को ही लेके आ जाएंगी वैसे वो, क्योंकि कल भैया बोले थे कि भाभी ले आएंगी वहाँ से शॉपिंग के लिए, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग पाता, मैं लेट पहुँचता हूँ, तो तब तक भाभी सामान वामान भी लेके आ जाएंगे। तो गाइस, अभी ऑफिस में पहुँच चुका हूँ, फिर मिलते शाम को सीधा घर। तो गाइस, भाई पहुँच गया ऑफिस के लिफ्ट में, बस एक दो सेकेंड में, दो तीन मिनट में पहुँच जाऊँगा ऑफिस, फिर जुड़ेंगे हम सीधा शाम को घर पे। तब तक के लिए बाय। इस रूम पे पहुंच गया अभी, और अभी जस्ट अभी भी आया हूँ, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा काम था, काम की वजह से फिर लेट पहुँचा हूँ आज। वैसे तो जल्दी आना था मैंने, बट वहाँ हाँ कल कुछ होली के चलते बहुत पहुँचा, मतलब रायता फैल गया था हम लोग को ज़्यादा, तो उस वजह से आज कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे ध्यान रखना पड़ा, उस वजह से लेट हो गया। बाकी तो सब ठीक है, कल मनाएंगे हम लोग होली धूमधाम से। पापा जी कल पापा जी के समधी भी आए हुए हैं ना गाँव से, रघु राय वो भी आए हैं, और प्रकाश जीजा के मम्मी पापा, मतलब वो लोग रेखा जी के सास ससुर, तो वो लोग भी आए हुए हैं, और हम लोग जाएंगे कल रेखा जी के घर, वहीं मनाएंगे होली। देखो कितने बजे मैं उठता हूँ सुबह में, क्योंकि आज मैं नहीं थी सुबह रात में, फिर सुबह में आराम से उठूँगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर क्या है, हल्का वल्का टीका वही कर तो लगाना होता है। होली क्या वो थोड़ी ना कि बस भरी दो पूरा तो पहले से ऐसे खेलते हैं मैं और गुन भाई, कोई ज़्यादा वो नहीं, मैं भाई को टीका, भाई मुझे टीका लगा देता है, बस बन गई होली। बाकी जब कभी जीजा लोग आते तो उनके साथ खेलते हैं, लेकिन तो भानु प्रदीप कृष्ण आते हैं तो उनके साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ और फन करने का मजा आता है, पता है बाबा। तो अभी ऐसे देखते हैं कल कैसी होली बनती है। तो गाइस, मेरी तरफ से आप सब लोग को एडवांस में ही विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। पापा जी का ये कंबल, पता नहीं इतनी गर्मी आ गई फिर भी देखो, ये देखो कंबल, इनका कंबल नहीं जाता। आप लोग मेरे को कमेंट्स करके बताना कि अभी भी कंबल लेना है या फिर नहीं लेना है। ये पापा जी का हमेशा ये कंबल ही रहता है बस। क्या कह रहे हो और कब हो इसको, कब तक लोगे फिर, और कब? गर्मियों में ये मुझे पंखा भी नहीं चलाने देते, आप लोग से कह रहा हूँ मैं, गर्मियों में ये मुझे पंखा भी नहीं चलाने देते, बोलते नहीं छट देता मुझे, फिर मैं कूलर ऑन करूँ नहीं वहाँ से भी नहीं चलाने देते मेरे को, पसीना, और ये मौत से सोते हैं आराम से। ऐसा क्यों करते हो बस? पापा काफी अच्छे बाल कट गए आपके हैं, दिखाओ। हाँ बहुत अच्छी कटिंग, पूरे छोटे छोटे कर दिए थे मैंने, नहीं ऐसे मैंने अपने करवाए छोटे एकदम, पहले मेरे भी यहाँ से तो बड़े बड़े बाल हो रहे थे, अब छोटे हो गए, अब जरा सही भी लग रहा है, देखने में भी सही लगता है बंदा, है ना। पर लंबे बाल भी अच्छे लग रहे थे बाबा, लग रहे थे ना, नहीं लग रहे थे हैं क्या? इन लोगों के कहने पे काटे मैंने गाइस अपने बाल, ये लोग कहते तू भूत जैसे लग रहे थे, लंबे लंबे बाल हो गए तेरे, इन लोगों को काटने पड़े, मैं नहीं काटता अपने बाल, मेरे कितने अच्छे हेयर लग रहे थे, देखो कह रहे कुछ नहीं लग रहे थे, इनको ज्यादा पता है जैसे कि मेरे पे लंबे बाल अच्छे लगते क्या लगते, खुद तो बोलते मेरे को टकला कर दे, मुझे बोलते तू भी टकला हो, बिल्कुल क्यों क्या कहो, ऐसे बाल अच्छे लगे गाइस मेरे पे, देखो और क्या, ये देखो ये बिल्कुल ऐसे अच्छे लगे,
ये अच्छा लग रहा है, ये देखो मेरी जुल्फे गजब लग रही है, साइड से कटिंग देखो मेरी, आपके तरह थोड़ा ना, आपके भी बाल काट देता मैं ऐसे ही, आप तो बोलते हो नहीं बाबा ये बाबा उड़ा दे, उड़ा दी मैंने, देखो बंजर जमीन हो गई, बंजर जमीन हो गई अभी, अच्छा लग रहा है पापा आपको है, सही है फिर मौज है आपकी है। और बुआ का कॉल आया था आपको, आपकी छोटी सिस्टर आ रही है मैंने सुना दिल्ली, वो पाका हूँ, छोटी बुआ पाका हूँ बोल रहे थे वो परसों, भाभी नहीं बोल रही थी क्यों आए हैं, नहीं आए, फिर कब आएंगे फिर, बार ऐसे क्यों चल जाते मेरे, फिर ठीक है नहीं आए, कब आएंगे फिर, आए हैं, आपने बड़ी बुआ को कॉल किया, ना देखो अपना फोन दिखाओ, बिल्कुल नींद भी आ रही है अभी, अभी रहने दो, अभी टाइम भी हो गया, ये क्या कहूँ, चुप रहो अभी, दिखाओ, अभी तो टाइम भी हो गया बहुत, अभी सो गए होगे बुआ, किस नंबर से सेव किया आपने, नहीं है इसमें, है ना, नाम है, है और क्या, नहीं है पापा इसमें, इसमें नहीं है नंबर, कल मिलाएंगे, कल वो है ना होली, तो होली की बधाई भी देंगे और आपसे बात भी करेंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो गाइज़ मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि पापा जी को बोल दें कि ये फ़ोन को ना अपने तकिए के पास में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो ऐसे फ़ोन को नहीं रखते हैं, मैं इनको बार बार ये बता चुका हूँ कि पापा ऐसे फ़ोन को मत रखो, वहाँ रख दिया करो, गोविंद भाई भी बोलता है पर फिर भी ये मानते नहीं, हमारा कहा नहीं मानते क्योंकि अपने फ़ोन से बहुत प्यार करते हैं ये, अगर फ़ोन में एक मैसेज भी आएगा तुरंत तो फ़ोन को चेक करते हैं किसका आया है क्या आया है, पता नहीं क्या है ऐसे, आते करते नहीं करते, सच्ची बताओ करते हो ना, फिर क्यों करते हो, वहाँ रख दिया करो, रात को तकिए के नीचे नहीं रखते फ़ोन, साइड में रखा करो वहाँ टेबल पे, मैं भी अपना फ़ोन टेबल पर रखता हूँ ना, आप भी रखा करो वहाँ पे, जिसका भी आएगा मैं आपको उठा के दे दूँगा सीधा, पर नहीं जी आपको तो तकिए के पीछे रखना है फ़ोन, वहाँ रखते ही तकिए के पीछे फ़ोन, कितने दिन मैं बोलता हूँ कि पापा नहीं रखा करो ऐसे, फिर भी मानते ही नहीं, कहा ही नहीं मानते, पता नहीं क्या है पापा को,